हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता का सम्मान करना चाहिए, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सत सत नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पीड़ा को दबाने के बावजूद भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत के संविधान को भारतवासियों को प्रदान किया, जो संविधान आज भी हम सबका नेतृत्व करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और उन सभी महापुरुषों से जिन्होंने भारत की संविधान सभा के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, इस संविधान के माध्यम से हम सबको भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए और इस लोकतंत्र के साथ मिलकर के कैसे हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, इन स्वतंत्रता के उन नायकों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करना होगा, जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए समर्पित करके अपने आप को बलिदान किया था। आज के इस अवसर पर भारत फिर से अखंड भारत की दिशा में अग्रसर हो सके, वर्ष अरविंदों के सपने को साकार कर सके, उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो सके, इसके लिए हमें भारत को 1947 तक, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव 1947 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय एक ऐसा भारत जो विकसित भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, सशक्त भारत होगा, और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन पंच प्रणों की बात की, उन पंच प्रणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है और वह है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के प्रति हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, शासन में हो सकते हैं, प्रशासन में हो सकते हैं, पुलिस सेवा में हो सकते हैं, व्यवसाय में हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, समाज के किसी भी तबके में रहकर के वो कार्य शिक्षक है, अधिवक्ता है, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ उसे कार्य करना होगा। राष्ट्र प्रथम का यह भाव जब हमारे जीवन का संकल्प बनेगा तो भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद रखना, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति दुनिया को अचंभित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, दुनिया अभिभूत है, भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, उसे विश्वास है कि भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। और इसलिए भारत की तरफ आज के समय में दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो भारत की तरफ दुनिया देख रही है, भारत की तरफ दुनिया का आकर्षण हमें एक नए भारत का दर्शन कराता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, और 10 वर्ष में, आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति था, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1947 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और उस ताकत के लिए भारत के हर नागरिक को एकजुट होकर के अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों से सतर्क रहते हुए
एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। इतिहास के उन गलतियों के परिमार्जन का एक अवसर हम सबके सामने है। हम फिर से इस प्रकार की गलतियों की त्रासदी और इस प्रकार की विभाजन की त्रासदी का सामना फिर से वर्तमान और भावी पीढ़ी को न करना पड़े, इसके लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय होना चाहिए। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है, और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद दूंगा उन वक्ताओं को जिन्होंने अपनी बातों को यहां पर रखा, और खास तौर पर सरदार निर्मल सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात भी यहां पर रखी कि त्रासदी किस प्रकार की थी। हमारी लखनऊ की पूर्व मेयर स्वयं उस त्रासदी का शिकार बनी थी मात्र एक वर्ष की, और दो वर्ष के बाद उनके पिता उन्हें उस कैंप में मिल पाए जहां पर वे लोग उनके परिवार के लोग त्रासदी के शिकार थे। किस प्रकार की स्थितियां थी, बैलगाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है, कहां लक्ष्य है, कोई पता नहीं। किस प्रकार के दृश्य थे, किस प्रकार की त्रासदियां थी। बरसात का समय, नदी नालों में पानी, भीषण गर्मी, उमस, और उस समय अपने परिवार के साथ अपने पुरखों की भूमि को छोड़कर के जाना, उन स्थितियों में अपने इष्ट देव को छोड़ करके जाना किस प्रकार का दृश्य रहा होगा। आज भी हम देख सकते हैं ननकाना साहेब में हमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में वहां कीर्तन का अनुमति नहीं होती है, नगर कीर्तन की अनुमति नहीं मिल पाती है, कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। और सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे, 22% हिंदू थे, आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है, 7-8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था, लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर बांग्लादेश के अंदर रहकर के भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा।
और मुझे लगता है कि मजहबी उन्माद, ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही ग्रस्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा। आज के इस अवसर पर मैं विभाजन की त्रासदी के शिकार परिवारों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उस समय खोया था, उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि विभाजन की त्रासदी से हम कुछ सबक लेकर के आने वाली भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की त्रासदी न होने पाए।